बिना हथियार के हथियारबंद लोगों से लड़ना, गोरखा मूवी से जुड़ी बड़ी अपडेट आई सामने। फिल्म में दिखेंगे एक विकलांग सैनिक का किरदार निभाते हुए अक्षय कुमार। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि बॉलीवुड के मिस्टर खिलाड़ी एक ऐसे एक्टर हैं जो कोई भी रोल आसानी से प्ले करते हैं और साल में 4 से 5 फिल्में तो कर ही देते हैं। त्रिमूर्ति खान के बाद अगर बॉलीवुड में किसी और ने अपना नाम जमाया है तो वो अक्षय कुमार है। हम सभी ने उन्हें कई अलग अलग किरदार निभाते देखा है, चाहे वो देश के जवानों से जुड़ा हो, रोमांस हो, एक्शन हो, हर रोल को वो बखूबी प्ले करते हैं। तो कुछ ऐसा ही चैलेंजिंग रोल वो फिर से निभाने जा रहे हैं। आपको बता दें कि अक्षय कुमार फिल्म गोरखा में नजर आने वाले हैं, जो कि एक सैनिक का किरदार करेंगे और वो किरदार है मेजर जनरल एन कार्डोजो का। और ये एक इंस्पायरिंग मूवी साबित होने वाली है आज की नई जनरेशन के लिए, और फैंस को इस मूवी से बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। आपको बता दें कि एक रियल स्टोरी फिल्म है जो कि एक इंडियन आर्मी हीरो गोरखा रेजिमेंट पर आधारित है। गोरखा एक महान युद्ध नायक की इंस्पायरिंग फिल्म है। युद्ध के मैदान में और बाहर अपनी अमर भावना और बहादुरी के लिए जाने जाने वाले नायक ने विकलांग होने के बावजूद एक बटालियन और एक ब्रिगेड का मार्गदर्शन किया था। कहानी सेना के हर अधिकारी के वैल्यू और इमोशन को दर्शाती है और इस नाखून काटने वाले स्क्रिप्ट ने दर्शकों के लिए एक सैनिक के साहस और बलिदान को जीवित कर दिया है। अब बात करें फिल्म की, तो फिल्म का डायरेक्शन संजय पूरन सिंह चौहान कर रहे हैं। फिल्म में अक्षय कुमार के साथ साथ राज विश्वकर्मा भी हैं। आपको बता दें कि फिल्म को दरअसल 13 अगस्त 2022 को रिलीज किया जाना था, पर कोरोना के चलते इस फिल्म को नहीं बनाया गया। लेकिन अब जब सब नॉर्मल हो गया है तो फिल्म की शूटिंग को जल्दी शुरू किया जाएगा। आपको बता दें कि फिल्म से जुड़ी कई बड़ी खबर आना बाकी है, पर फिर भी लोगों में एक्साइटमेंट बना हुआ है। ये एक देशभक्ति पर आधारित फिल्म है, जो एक ऐसी फिल्म देखना पसंद करते हैं उनके लिए फिल्म काफी इंटरेस्टिंग साबित होगी।